ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का सफलता क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूँ। फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ और सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आई होप सो आप लोग कल की क्लासेस का रिवीजन करके आए होंगे, जो चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। कौन कौन लाइव आ गया है भाई? ओके, जसोल, राखी, अंकित, ओके, कमलेश, फाइन, हिमानी, ललित, ओके, वैशाली, उज्जवल, आराध्या, नेहा, फाइन। कोई बात नहीं अंकित, बैकअप ले लेना उसका बस एक बारी आप, ठीक है? एंड दीपेश, फाइन। आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दो सेशन स्टार्ट हो चुका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आकर के इसको जो है इसका लाभ उठा सके। ओके, आप लोग अपने मॉक टेस्ट ले सकते हो। मेरी टीम कल मुझे टेक्निकल टीम कल बता रही थी कि स्टूडेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो लोग मॉक टेस्ट इतना ध्यान से नहीं ले रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर करिए। अगर आप क्लासेस के बाद में मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों का। अरे बस समझ में। सो मेंटेन रेगुलरिटी, ध्यान रखिए, वो तो सेल्फ डिसिप्लिन चीज है भाई। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जाते थे, ठीक है, एक जमाने में, तो आप घर से निकले और क्लासरूम में पहुंच ही जाएंगे, कोई जरूरी बात तो थी नहीं। तो एक लेवल के बाद में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फॉलो दिस, उसको जरूर आप लोग फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है भाई। सो मॉक टेस्ट करिए, रेगुलर क्लासेस करिए, और फिर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स जैसी डिफिकल्ट चीज भी आपके ग्रिप में आनी शुरू हो गई है, डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बलबीर सिंह सीनियर, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, इनका संबंध कौन से खेल से था, कौन से गेम से बलबीर सिंह सीनियर साहब कनेक्टेड थे? एंड द आंसर इज, हाँ भाई, आंसर इज हॉकी। बिल्कुल सही बात है, हॉकी से कनेक्टेड थे, और 1948, 1952 एंड 1956 तीन ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, बलबीर सिंह सीनियर साहब ने। अच्छा भाई, फर्स्ट का ए दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट का ए का सही आंसर है, ठीक है, फर्स्ट का ए दिस इज द राइट आंसर। और आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, कंट्री ऑफ लेक्स, ऐसा कौन सा देश है जिसे झीलों का देश कहा जाता है? एंड द आंसर इज फिनलैंड, ठीक है भाई, फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलसिंकी, फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है भाई, इसे कहा जाता है झीलों का देश, फाइन। चलिए याद रखिएगा इस फैक्ट को। और ये बात मैंने क्यों बताई थी आपको, क्योंकि 1952 का जो ओलंपिक था यह कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था हेलसिंकी में, जिसके अंदर में बलबीर सिंह सीनियर साहब ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है भाई। ओके, तो ये वहां से निकला हुआ क्वेश्चन है, कनेक्टेड क्वेश्चन था ये। सेकंड का बी दिस इज द राइट आंसर, और जिन बच्चों ने सही जवाब किया है मैं उनके नाम बता दूं आप लोगों को। सेकंड का बी, सेकंड का बी, और इसमें है नहल कुमार, जसोल, दैट्स ग्रेट, उसके बाद में पूजा, देन दीपेश, अभिषेक सिंह मेहता, इन सब लोगों ने जो है इसका जवाब सही किया है। बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। आप चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गोल्डन हैट्रिक, ठीक है भाई, द गोल्डन हैट्रिक ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी, बताइए भाई, ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? और ये ऑटोबायोग्राफी है बलबीर सिंह सीनियर साहब की, ठीक है भाई, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलबीर सिंह सीनियर। बहुत ध्यान से करिएगा इस चीज को आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैटर रहता है यहां से ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, श्योक नदी, श्योक रिवर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में। सो बी केयरफुल इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए, आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और श्योक रिवर किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, और श्योक जो है वो सहायक नदी है सिंधु की, ठीक है भाई,
ये वही एरिया है जहां पर अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है, और श्योक रिवर जो है यहां से लेकर के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर तक, DBO तक, इंडिया करीब 255 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बना रहा है, जिसको लेकर के चीन ने बड़ा विरोध दर्ज कराया है अपना। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, श्योक रिवर है, और यहीं पर पास में ही एक जगह है पेगोंग सो में, गैलवान। गैलवान भी एक रिवर है, ध्यान रखना, गैलवान भी एक रिवर है। ठीक है भाई, पेगोंग सो लेक के पास का एरिया है लद्दाख के अंदर में, और यहां भी हमारा चीन के साथ में कंफ्लिक्ट लगातार यहां पे चल रहा है। ठीक है भाई, कुछ और इम्प्रूवमेंट है चीन के साथ में, जो हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ वहां पे और जो है चीजें बदली हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। श्योक रिवर जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, मैंने बता दिया आपको। 4 का ए दिस इज द राइट आंसर। आफ्टर दिस BRO कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, अंडर विच मिनिस्ट्री BRO वर्क्स। ठीक है भाई, मैंने देखा लगभग सब बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, सिंधु का लगभग सब बच्चों का सही जवाब है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ओके, आप आगे चलते हैं हम लोग। BRO कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, देन BRO कम्स अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। BRO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है भाई, कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बॉर्डर एरिया के अंदर में जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो सारा का सारा काम बेसिकली BRO देखता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने। अच्छा, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं भाई। गोलन हाइट्स के संबंध में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली यू हैव टू फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यू हैव टू फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से गोलन हाइट्स से जुड़ा हुआ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। रजत भारद्वाज, देख लिया मैंने बेटा, ठीक है, ओके। गोलन हाइट्स के पूर्व में, उसके ईस्ट में इजराइल है, वेस्ट में सीरिया, नॉर्थ में लेबनन एंड साउथ में जॉर्डन। ठीक है भाई, ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट ने वेस्टर्न एशिया में इसराइल की पावर को एस्टेब्लिश किया। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज दिस, इसराइल गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा करके अपनी सॉवरनिटी को यहाँ पे लगातार एंजॉय कर रहा है। ठीक है भाई, ओके, जरा देखते हैं कि तुम में से कितने लोगों ने 6 का जो है सही जवाब किया है। 6 का, ओहो, जो सबसे पहला जवाब किया है आयुष त्रिपाठी ने, वो गलत है, वो सही नहीं है। अरे बात समझ में, चलिए मैं बताता हूं, अधिकांश लोग इसमें डी बोल रहे हैं। चलिए भाई, नेहल कुमार, मॉक टेस्ट हमारा जो ऐप है उसके ऊपर में अवेलेबल है, आपका जो माई कोर्सेस का सेगमेंट है, देयर इट इज अवेलेबल। ठीक है, आपको हमारी टीम की तरफ से एक PDF दिया गया होगा, उसमें भी वेबसाइट को और ऐप को कैसे एक्सेस करना है उसकी पूरी जानकारी है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, आप इसका जो सही जवाब है वो आप देखो जरा पहले, तो गोलन हाइट्स के पूर्व में इजराइल नहीं है, गोलन हाइट्स के ईस्ट में एक्चुअली सीरिया है, आरी बात समझ में, और इसके वेस्ट में जो है वो है इजराइल, आरी बात समझ में। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चा लोग, बताओ भाई, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, इजंट इट। एंड इसके बाद में अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट ने वेस्टर्न एशिया में इजराइल की पावर को बढ़ाया, नो डाउट बढ़ाया। ठीक है भाई, और गोलन हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा किया था, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ सीरिया, ये हिस्सा सीरिया का था और इजराइल ने कब्जा कर लिया इसके ऊपर में। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों करेक्ट हैं, इसका मतलब है कि 6 का ए दिस इज द राइट आंसर, 6 का ए ये सही जवाब होगा। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैं जरा मैप से आप लोगों को बता दूं, आप लोग जरा स्क्रीन पर देखिएगा, ये है गोलन हाइट्स का एरिया। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, आप लोग जरा स्क्रीन पर देखिएगा, गोलन हाइट्स का एरिया ये है यहाँ पर। ठीक है, और इसके आप देखो नॉर्थ में लेबनन है, इसके साउथ में आपको जॉर्डन दिखेगा, इसके ईस्ट में आपको सीरिया दिख सकता है, और इसके वेस्ट में जो है इसराइल है। आगे बात समझ में, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये गोलन हाइट्स के बारे में है, बहुत बढ़िया से करना। ठीक है, बहुत ध्यान से करना इसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहां से।
आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज ऑन योर स्क्रीन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, सॉरी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट हैं। इसका निर्माण जो है, जो दुनिया के प्रमुख तेल आयातक, ध्यान रखना इंपोर्टर्स, आप लोग जब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं ओपेक के साथ में। एक बात ध्यान रखना बेटा, ओपेक जो है दैट इज द ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ऑयल को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, ये उन देशों का ग्रुप है जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। 1979 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है भाई। और इसका जो टारगेट है, इसका जो उद्देश्य है, वो ये है कि पूरी दुनिया के सामने जो एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, अब ऐसे समय में जो है पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ऑयल की जो सप्लाई है उसको मेंटेन करना, देन 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, दैट मीन्स सी इसका जो है सही जवाब होगा, ठीक है। बोथ, इसमें बोथ करेक्ट है। और एज आई कैन सी कि आप 7 का सी जो है, मैक्सिमम लोगों ने इसका जो है सही जवाब दिया है 7 के सी का। सबसे पहला जो सही जवाब था 7 के सी का, आप 7 का सी सबसे पहले आयुष त्रिपाठी, देन रजत, देन हिमानी, देन दीप्ति, ठीक है भाई, बहुत अच्छे, अंकित गंगवार, पूजा गुप्ता, ललित राणा, आप मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब किया है भाई, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। ओके चलिए, आप कोई बात नहीं, आप ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग। और आज के द हिंदू का फ्रंट पेज का न्यूज है, पीएम रिव्यूज एलएसी स्टैंड ऑफ, प्रधानमंत्री ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको रिव्यू किया। उनके साथ में मीटिंग में थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज बिपिन रावत, और 3 अदर सर्विस चीफ्स, दैट मीन्स आर्मी के मनोज साहब, ठीक है भाई, इसके अलावा एयरफोर्स, और इसके अलावा नेवी के चीफ, ठीक है, 3 चीफ हो गए यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के इन सब लोगों से जो है पीएम ने रिव्यू लिया। और यहाँ पर एक न्यूज और यहाँ पे अटैच्ड है, आप देख सकते हैं इस न्यूज को, बी प्रिपेयर्ड सेज शी जिनपिंग। शी जिनपिंग बोल रहे हैं अपनी सेना को कि आने वाले समय में किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी स्थिति के लिए आप तैयार रहिएगा। आ रही बात समझ में? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों लगातार आप लोगों को ये न्यूज इन डिटेल बता रहा था कि लद्दाख और सिक्किम के जिन एरियाज के अंदर में हमारा चीन के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है, और उत्तराखंड के अंदर में नेपाल के साथ में हमारा जो कंफ्लिक्ट चल रहा है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? सो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा चुका हूं लद्दाख में पेगोंग सो एरिया के बारे में, कल जो मैंने पढ़ाया था श्योक और डीबीओ के बारे में, ठीक है, सिक्किम में नाकुला नाथुला का जो मैंने एरिया बताया था, उत्तराखंड के अंदर में जो मैंने आपको लिपू लेक और काला पानी क्राइसिस समझाया था, तो प्लीज गाइस उसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, उन वीडियोस को दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सो आप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा बहुत ढेर सारे इश्यूज में, जो बच्चे मॉक्स ले रहे हैं वो अलग अलग जगहों से भी, हमारे यहाँ से भी और बाहर से भी, तो बच्चे बताते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ से डील हो जाते हैं इन क्लासेस को करने के बाद में, लेकिन ये फीडबैक तब आएगा जब आप रेगुलरली क्लासेस करेंगे, ठीक है भाई, डेली लाइव आएंगे, डेली आकर के सीखेंगे और यहाँ पे अटैच रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इजिप्ट और इथोपिया के बीच में एक झगड़ा हो गया है, यहाँ पर एक बांध है, ठीक है भाई, एक बांध है, एक डैम है जो कि इथोपिया के अंदर में स्थित है। ये डैम कहाँ पर है? ये डैम है इथोपिया के अंदर में, ठीक है भाई, और ये डैम बहुत चर्चा में रहा है, और इस डैम का नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कई बारी कि ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम जो है वो कौन से देश में स्थित है, देन आंसर गोज टू इथोपिया, इथोपिया के अंदर में स्थित है, ठीक है भाई। अच्छा भाई चलिए, इसके बाद में जो अगला मुद्दा है यहाँ पे, आप जरा स्क्रीन पर देखिएगा यहाँ पर कि इथोपिया जो है, इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा,
और इथोपिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नाइल, एक रिवर है ब्लू नाइल। अब मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के अंदर में जो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिवर नाइल। जरा आप लोग ध्यान से समझना इसको। और जो नील नदी है वो दो नदियों से मुख्य रूप से मिलकर के बनती है। एक नदी कौन सी है? ब्लू नाइल, और एक नदी है व्हाइट नाइल। ठीक है भाई, दो नदियां हैं ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, इनको जोड़ करके बेसिकली बनती है रिवर नील। अच्छा, अब ब्लू नील जो है मुख्य रूप से जो है इसमें सबसे ज्यादा पानी है, और ये नदी जो है सूडान, सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम के पास में ब्लू लाइन, और ये देखो आ रही है व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होती है? युगांडा से। व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है युगांडा से। युगांडा में एक झील है विक्टोरिया लेक, ये जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको मैप में, दिस इज लेक विक्टोरिया, ध्यान रखिएगा, दिस इज लेक विक्टोरिया। ओके, और लेक विक्टोरिया जो है यहां से निकलती है व्हाइट नाइल, खार्तूम में जाकर के दोनों मिल जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हुई नदी चली जाती है। अब मुद्दा कहाँ फंस रहा है? अब चूंकि ब्लू नाइल के ऊपर में ग्रैंड रेनेसा डैम बना रहा है इथोपिया, तो इजिप्ट और सूडान, खास तौर पे ये दो देश, ये दोनों ये कह रहे हैं कि भैया तुम अपने यहाँ बांध बना लोगे तो पानी का जो सप्लाई जो निचले एरिया के अंदर में है वो रुक जाएगा, और ऐसे में सूडान और इजिप्ट, ये बड़ा एरिया एकदम रेगिस्तान सहारा के अंदर में आता है, यहाँ पर पानी की वैसे ही शॉर्टेज है, तो ऐसे में बहुत बवाल मच जाएगा, हम लोग तो प्यासे मर जाएंगे। अब जरा इसको इंडिया के साथ में जोड़ो, तो हमारे साथ में भी तो ऐसे ही इश्यूज हैं ब्रह्मपुत्र के एरिया के अंदर में, कि ब्रह्मपुत्र के अंदर में चीन ने जैंगमू डैम बना लिया है और एक बड़ा जो है पानी वो वहां पे तिब्बत के अंदर में रोक रहा है। ऐसे ही आरोप हमारे ऊपर भी लगते हैं, पाकिस्तान लगाता है हमारे ऊपर में आरोप कि हम सिंधु नदी के पानी को रोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के है क्या चीज कि ये पानी को लेकर के झगड़े आपको दुनिया के अधिकांश देशों में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अच्छा तो ये मैंने आपको बताया कि मुद्दा क्या है। आप ये बताओ पहले कि जो ग्रैंड रेनेसा डैम है, जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट है, बांध इथोपिया के अंदर बन रहा है, इजिप्ट और सूडान कह रहे हैं हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो जाएगी, इसकी वजह से एग्रीकल्चर मारी जाएगी हमारे यहाँ पे, तो ये बेसिक बात आपको समझ में आई, पहले आप ये बताओ। हाँ जी, आप लोग पहले ये बताओ कि ये बेसिक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, तब हम लोग यहां से जो है आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल अभिषेक, वो तो हमारे यहां भी इश्यूज हैं। ओके, आप किसने मैसेज किया है? अंकित गंगवार। ठीक है भाई, आप चलिए भाई, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया यहां तक कि नहीं समझ में आ गया है, और मैं देख लूंगा। अच्छा, अभी मैसेज आने शुरू हो गए आप लोगों के, परवेज आलम। ओके ठीक है भाई, ललित राणा, अंकित, विष्णु, ओके उज्जवल सिरोही, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग जरा आगे चलते हैं, कुछ और मुद्दों को भी यहाँ पे जोड़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ से, अश्वान बांध। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है, अश्वान डैम, अश्वान बांध, कि अश्वान बांध कहां पर स्थित है? तो अश्वान बांध नील नदी के ऊपर में स्थित है, और कहां पर स्थित है? इजिप्ट, ये स्थित है मिस्र के अंदर में। तो दो बांध बता दिए मैंने आपको, ग्रैंड रेनेसा डैम जो कि इथोपिया के अंदर में है, ब्लू नील नीली नील के ऊपर में है, ठीक है, अश्वान बांध नील नदी के ऊपर में है, नील नदी ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के संगम से बनती है, और व्हाइट नाइल का जो उद्गम है वो विक्टोरिया लेक युगांडा के अंदर में है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और मुद्दे मैं बताता हूं यहाँ पे आपको जुड़े हुए। ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एरिया क्यों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? देखिए, इथोपिया का तर्क ये है कि अगर हम यहाँ पर बांध बना लेंगे तो 6000, जी हाँ 6000 मेगावाट की हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इथोपिया और उसके जो आसपास के देश हैं, यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा क्राइसिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, और ऐसे में इथोपिया ये कह रहा है कि अगर 6000 मेगावाट हम बिजली बना लेंगे तो हम लोग सूडान को भी बिजली दे सकते हैं, हम लोग केन्या को भी बिजली दे सकते हैं, हमारे पास तो खुद तो रहेगा ही, इसके अलावा सोमालिया को बिजली दे सकते हैं।
इथोपिया का ही पड़ोसी देश है जिबूती, जिबूती को भी हम बिजली ऑफर कर सकते हैं। इरिट्रिया यहाँ पर एक देश और है, इसको भी हम लोग बिजली ऑफर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इथोपिया का कहना यह है कि इस बांध को बनाने से कितने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है भाई, अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। और इथोपिया का यह भी कहना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग, भाई बिजली आएगी तो बहुत जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आपकी आगे बढ़ेगी। अब चलिए मैं यहीं पर जरा चीन को भी लाकर जोड़ देता हूं। इस बांध को बनाने में जो पैसा आ रहा है उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। इथोपिया के अंदर में चीन ने बहुत पैसा लगाया है। और WHO के जो अभी चीफ हैं टेड्रोस एडनॉम कहाँ के रहने वाले हैं? इथोपिया के रहने वाले हैं। इसीलिए कुछ अमेरिका वगैरह लगातार ये कह रहे हैं कि इथोपिया के अंदर में चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और टेड्रोस एडनॉम को लगता है कि अगर वो चीन का पक्ष लेंगे WHO के अंदर में तो चीन इथोपिया के डेवलपमेंट के लिए और पैसा देगा और इससे इथोपिया को लाभ होगा। अरे बात समझ में? तो आप देख रहे हैं किस तरीके से डॉट्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहां से। ये बात जो मैंने आपको बताई है केन्या, सूडान, इरिट्रिया, साउथ सूडान बिजली का यहाँ पे डेफिशिएंसी है, बिजली ऑफर कर सकते हैं। ये सब चीजें पुरानी वाली हो गई जो मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे। अच्छा भाई, आप इजिप्ट की जो समस्या है मैंने अभी बता दी थी कि इजिप्ट यह कह रहा था कि भैया हम निचले हिस्से में आते हैं नदी के और अगर ऊपर बांध बना दोगे नदी के, अगर ऊपरी हिस्से में बांध बन जाएगा तो सारा पानी आप ऊपर ही रोक देंगे, पानी आप ऊपर ही रोक देंगे और ऐसे में इजिप्ट तक जो है पानी पहुंचेगा ही नहीं और हम मर जाएंगे। ठीक है, सूडान का भी यही दिक्कत है, लेकिन सूडान को एक फायदा भी है क्योंकि आज जब मानसून आता है, ध्यान रखना जब मानसून आता है तो उस समय आप यहां पर भी बहुत बारिश होती है इथोपिया के अंदर में और सूडान में बाढ़ आ जाती है। इस बांध के बनने से सूडान के अंदर में जो बाढ़ की समस्या है वो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। ठीक है भाई, ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जरा आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एग्जाम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर एग्जाम्स के अंदर में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में कितने देश आते हैं। जी हाँ, कितने देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में? ठीक है भाई, तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे चार देश आते हैं मुख्य रूप से। चार देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, कौन कौन से देश हैं? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है भाई, इथोपिया और सोमालिया की राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इथोपिया की राजधानी आप बहुत ठीक से कर लेना इसको, और ये राजधानी थी इसकी है मतलब आदिस अबाबा, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। क्या राजधानी है इसकी? मोगादिशु। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से कर लिए, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। और जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, इरिट्रिया जो है और जिबूती वगैरह, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इथोपिया और सोमालिया। ठीक है भाई, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहां से। थोड़ा सा नील नदी के बारे में जरा आप लोग देखिए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द अफ्रीकन रिवर्स, ध्यान रखिएगा ये नील की वैल्यू है। एक जमाने में नील नदी की सभ्यता का विकास भी यहीं पर हुआ था, नील नदी की घाटी में, मिस्र के एरिया के अंदर में। इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि नील नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? जी हाँ, नील नदी का जो डेल्टा है वो डेल्टा कहाँ पर बनता है? तो भूमध्य सागर में इसका डेल्टा बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है डेल्टा के आकार को लेकर के, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बारी कि डेल्टा का आकार क्या है। तो नील नदी का जो डेल्टा है उसका आकार है आर्कुएट, आर्कुएट डेल्टा है। देखो डेल्टा एक तो ट्रायंगुलर शेप में दिखते हैं, ठीक है भाई, अच्छा इसका जो डेल्टा है वो ट्रायंगुलर शेप और फैन शेप इन दो तरीके से दिखता है, तो इस वजह से जो है इसको आर्कुएट डेल्टा कहते हैं। आर्कुएट डेल्टा का मतलब यह होता है कि ऐसे डेल्टा जो ट्रायंगुलर और उसके साथ में फैन शेप दोनों शेप में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आर्कुएट डेल्टा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा भाई, नील नदी
का नील नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? भूमध्य सागर में बनता है। इसके डेल्टा का आकार क्या है? आर्कवेट है। ठीक है भाई, ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नील नदी क्या की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मैंने बता दिया था। एक नदी यहाँ पे और है, अटबरा। ठीक है भाई, सूडान में आकर के मिलती है। ठीक है, छोटा सा नदी है ये, लेकिन ये भी इसमें जो है शामिल होता है। अच्छा, नील नदी किन किन देशों से गुजरती है? आप देखो जरा स्क्रीन पर, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान, ये सारे के सारे एरिया जो है नील नदी से, नील नदी की घाटी के अंदर में आते हैं। इनके पानी से जो है वहां पे सारा काम चलता है। ठीक है भाई, ओके शुभांगी, शुभांगी, थैंक यू थैंक यू। ओके, आप अगर आप लोगों को लगता है भाई शुभांगी कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जब ऐसे जो है मैसेजेस करते हैं तो देख करके अच्छा लगता है कि भाई वी आर डूइंग समथिंग वर्दी, कुछ बेहतर कर रहे हैं हम लोग। और मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा यहाँ पर इस बात को कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस बारे में जानकारी पहुंचाएं, अधिक से अधिक संख्या में आप लाइव आकर के हमारे सेशंस को देखें, जिससे कि आप देखो लाइव में जो आप सीख सकते हैं चीजें, ठीक है, वो आप लोग रिकॉर्डिंग में उतना मजा नहीं आता है। ये बात बिल्कुल जायज बात है। ठीक है भाई, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइव आए और पढ़ें बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इस जो है इस पूरे मुद्दे को जो है खत्म करेंगे और इसके एकदम एंड के अंदर में आकर के जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आखिर ये पूरा का पूरा एरिया इथोपिया और इसके इधर उत्तर में जाकर के इजिप्ट, ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है, जरा दिमाग लगाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो इजिप्ट है यहीं पर कौन सी नहर है? स्वेज केनाल, यहीं पर है स्वेज केनाल। आ रही बात समझ में? और स्वेज केनाल एक सबसे छोटा रास्ता है यूरोप तक पहुंचने का, समंदर के रास्ते। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग मैप पर, गल्फ ऑफ ईडन से होते हुए लाल सागर, यहीं पर आगे की तरफ स्वेज कैनाल है, इसको पार करिए, भूमध्य सागर में आ जाएंगे और इटली होते हुए आप यूरोप की तरफ निकल जाइएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि अब अगर इथोपिया, जरा ध्यान देना, अगर इथोपिया और मिस्र के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो ये पूरा का पूरा रास्ता डिस्टर्ब होगा कि नहीं? हाँ जी बताओ, अगर इथोपिया और मिस्र के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो गल्फ ऑफ ईडन, मतलब हिंदी में कहें तो अदन की खाड़ी, अदन की खाली, लाल सागर, इस पूरे एरिया में बवाल मचेगा कि नहीं मचेगा? बताइए भाई बच्चों। स्टार बॉय, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा भाई चलिए बताओ, अदन की खाड़ी में दिक्कत होगी या नहीं होगी? बताओ भाई। और अदन की खाड़ी में अगर दिक्कत हो गया तो भारत के और इवन एशिया के, जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ के जो जहाज यूरोप की तरफ जाते हैं उनके लिए तो मतलब एकदम मरने वाली स्थिति हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो रास्ता है ये दुनिया के सबसे जो है कठिन रास्तों में से एक है, या दुनिया के चोक पॉइंट्स में से एक है। ये दुनिया के चोक पॉइंट्स में से एक है, ध्यान रखना। चोक पॉइंट्स वो रास्ते होते हैं, वो जगहें होती हैं दुनिया के अंदर में जहां पर जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। आ रही बात समझ में? ओके चलिए मैं एक जानकारी और दे दूं कि यहीं पर इसी जगह पर, ये जो मैं एरिया जो यहाँ पे सर्कल सा कर दिया है, यहीं पे एक स्ट्रेट है दैट इज नोन एज बाब अल मंदेब स्ट्रेट। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो है कौन से दो क्षेत्रों को, कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो सॉरी सेपरेट करता है, तो इसका जवाब क्या होगा? आपका रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन, लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग अलग करता है,
और ये जो है अरेबियन पेनिनसुला एंड अफ्रीका के अंदर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कनेक्ट करता है। ठीक है भाई, ओके। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो ये एरिया है गल्फ ऑफ ईडन और रेड सी का एरिया, ये किसी एक देश के कब्जे में नहीं है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इवन इधर आप लोग अगर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ यमन भी दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ सऊदी अरेबिया भी दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इन सब देशों के जो है यहाँ पे सम्मिलित अधिकार है, इजिप्ट का भी यहाँ पे अधिकार है, तो ये सब मिल करके इस पूरे एरिया को हैंडल करते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो यहां तक आपको समझ में। बाबल मंदिर बेटा जिबूती के अंदर में है, जिबूती, दिस इज लोकेशन इसका जिबूती है। ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आप नेक्स्ट मैटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट्स टू सॉल्व मिस्ट्री ओवर द बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास। एक्चुअली ये बड़ा तगड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। मैं अगर बताऊं आपको तो कल मेरे पास भी हिस्ट्री में एक बच्चे ने एक डाउट पूछा किसी घोड़े वोड़े को लेकर के, शुभ्रक नाम के घोड़े को लेकर के। ठीक है कि सर वो शुभ्रक नाम का एक घोड़ा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को ना उसी घोड़े ने मारा था एक्चुअली। अब ये बहुत बड़ी डिबेट है इतिहास के अंदर में, कि कई सारे मैटर हैं हिस्ट्री के अंदर में जो आज तक इतिहासकारों को भी नहीं पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब भाई जाहिर सी बात है ना कि हमारे पास कोई टाइम मशीन थोड़े ही ना है कि हम लोग वहां जाके देख आए। भाई पुरानी चीजों के अध्ययन के लिए हम लोग रिसोर्सेस के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसा ही एक मैटर है यहाँ पे हम लोगों के सामने। ठीक है भाई, ऐसा ही एक मैटर है हम लोगों के सामने, और ये मैटर है कर्नाटका गवर्नमेंट के सामने कि पुरंदर दास का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर था पुरंदर दास जी का। ठीक है भाई, पुरंदर दास जी थे कौन? ये एक भक्ति संत थे, भगवान कृष्ण के ऊपर में इन्होंने ढेर सारे भजन और कविताएं, पद वगैरह सब लिखे हैं। कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं हिंदुस्तान के, ध्यान रखना जरा, हिंदुस्तान के अंदर में संगीत की, शास्त्रीय संगीत की दो शैलियां हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम का ये। हिंदुस्तान के अंदर में क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत की दो शैलियां हैं, और एक शैली है हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी शैली जो कि उत्तर भारत में चलती है, कहाँ चलती है? नॉर्थ इंडिया में चलती है। और एक है कर्नाटक शैली, दूसरी क्या है? कर्नाटक स्टाइल या कर्नाटक शैली जो कि साउथ इंडिया में चलती है। और इस कर्नाटक शैली के जनक कहे जाते हैं कौन? पुरंदर दास जी। बवाल इस बात का है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है भाई, इनका बर्थ कहां पर हुआ था ये बात पर डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है इस बात के ऊपर में। चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि भाई क्या डिबेट है, कौन कौन लोग दावा अपना करते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो राज्यों का जो है दावा है, दो राज्यों का यहाँ दावा है, एक तो है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक, एक है कर्नाटक। महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि पुरंदर दास जी का जन्म हुआ था पुरंदरगढ़ के अंदर में, पुरंदरगढ़ एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर में, और महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि पुरंदर दास जी का बर्थ यहाँ हुआ था। अच्छा, कर्नाटक के अंदर में एक एरिया है मलनाड। ठीक है भाई, कर्नाटक के अंदर में एक एरिया है मलनाड, और कर्नाटक के लोग कहते हैं ना जी यहाँ जन्म हुआ था। अच्छा भाई, दो दावे आ गए। अब इसमें कर्नाटक ने अपनी एक कमेटी बिठाई है, और कर्नाटक के अंदर में जो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, हेरिटेज एंड म्यूजियम्स ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है। हम्पी जरा स्क्रीन पर देखना, हम्पी यूनिवर्सिटी है कर्नाटक के अंदर में, हम्पी यूनिवर्सिटी, हम्पी यूनिवर्सिटी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए अथराइज किया गया है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और वर्तमान में विजयनगर के अवशेष, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है तुम्हारे एग्जाम में कि विजयनगर एम्पायर के जो रिमेन्स हैं, जो उसके अवशेष हैं, वो कहाँ से पाए जाते हैं? तो हम्पी से ही पाए जाते हैं। और मैंने विजयनगर का नाम फालतू में नहीं लिया आपके सामने, क्योंकि पुरंदर दास जी के संबंध में भी एक थ्योरी है जो विजयनगर से जाके जुड़ती है। क्या थ्योरी है? कहते हैं कि पुरंदर दास जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकारने के पहले वो व्यापारी थे। ठीक है भाई, क्या थे? व्यापारी थे।
और पुरंदर दास जी का जो ओरिजिनल नाम था दैट वॉज श्रीनिवास नायक। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ पुरंदर दास, तो श्रीनिवास नायक। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज, इनके नाम में जो शब्द जुड़ा हुआ है नायक, ये जो नायक वर्ड यहां पे अटैच्ड है, ये वर्ड कहां चलता था? हां जी, ये वर्ड चलता था विजयनगर एम्पायर के अंदर में, विजयनगर साम्राज्य के अंदर में नायक नाम की उपाधि का इस्तेमाल किया जाता था। आ रही बात समझ में? तो ऐसे में कुछ लोग यह कहते हैं चूंकि नाम में नायक जुड़ा हुआ है तो ये विजयनगर के होंगे, और विजयनगर के हैं इसका मतलब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा भाई, यही सारी बातें नायक कैकल की पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग वहां पे पढ़ लीजिएगा इस चीज को। कन्नड़ यूनिवर्सिटी हम्पी, ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बता दी आप लोगों को। तो अभी शुरुआती दौर में इन लोगों ने ये बोला कि जो है, जो पुरंदर दास जी हैं इनका बर्थ कर्नाटक में ही हुआ हो सकता है। शब्दों पर ध्यान देना, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इनिशियल रिसर्च में कहा है कि कर्नाटक हो सकता है। ठीक है भाई, ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके चलिए भाई, आप आगे चलते हैं हम लोग। पुरंदर दास जी का ये टाइम पीरियड है, यू नीड नॉट टू मगअप, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पीरियड को। ये मन की शांति के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि भाई आप क्या है, तो देख लीजिए आप लोग। अच्छा, बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको पहले ही कि पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, 84 राग इन्होंने जो है डिस्कवर किए थे, और इन्होंने पुरंदर विट्ठल के नाम से इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर में कविताएं लिखी। ठीक है भाई, ओके, दिस वॉज द पेन नेम, भैया ध्यान रखना, दिस वॉज द पेन नेम ऑफ पुरंदर दास, दैट इज पुरंदर विट्ठल। ठीक है भाई, ओके, तो ये सारी के सारी कहानी हो गई पुरंदर दास जी से जुड़ी हुई। फाइन, चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये जो बाबा जी हैं यही हैं पुरंदर दास ऋतु कश्यप। ठीक है भाई, ओके, आप शुभांगी सिन्हा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में पीडीएफ डेली अपडेट किया जाता है। भाई गजेंद्र प्रताप, ऐसे कैसे आप जो है हमारा जो पीडीएफ हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से मैं शाम तक पीडीएफ भिजवा ही देता हूं वहां पे शाम तक। देखो रजत इज सेइंग दैट कि इवनिंग तक मिल जाता है पीडीएफ वहां से। ठीक है भाई, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल एंड गेट द पीडीएफ फ्रॉम देयर। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और अगला मुद्दा है यहाँ पे, आईएलओ अर्जेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट टू डाइल्यूट लेबर लॉज। हाँ भाई, जो लोग मेरे साथ लगातार क्लास कर रहे हैं जरा वो लोग बताओ कि मैं आईएलओ के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि नहीं, और मैंने उसी समय आपसे कहा था कि भारत सरकार जिस समय मजदूरों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, पहले तो मजदूर भूखो मरे, आपके मन में आया लॉकडाउन कर देते हैं, लॉकडाउन कर दिया आपने, जब केसेस बढ़ रहे हैं इतनी तेजी के साथ में तब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया लीडरशिप है, बहुत शानदार है। ठीक है भाई, मतलब कुछ पता ही नहीं करना क्या है इनको। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है कि मतलब आप सिंपल लॉजिक लगाओ ना, जब केसेस बहुत कम थे आपने तब सब कुछ बंद कर दिया, ये जानते बूझते हुए कि भारत के अंदर में एक बहुत बड़ी आबादी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जो डेली कमाती है, डेली खाती है। आ रही बात समझ में? उनका क्या होगा, पहले वो भूख से मरे, पानी से मरे, प्यास से मरे, सड़कों पे मर जाएं, गाड़ियां आके ठोक दें, ट्रेन से कट के मर जाएं, और उसके बाद साहब क्या करेंगे आकर के कि मजदूर अब 8 घंटे काम नहीं करेगा, 12 घंटे काम करेगा डेली। आ रही बात समझ में? इस तरीके से मजदूर काम करेगा। आपके जितने पैकेजेस आ रहे हैं उन सारे पैकेजेस के अंदर में मजदूरों के लिए है क्या? ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि ये मुद्दा मैंने पहले ही कहा था कि ये मुद्दा आईएलओ में पक्का पक्का जाएगा, भारत के अंदर में जो मजदूर संघ है वो इस मुद्दे को पक्का उठाएंगे, और बिल्कुल सही किया है मजदूर संघों ने,
और अभी आप लोग देखिएगा कि एक टीम आएगी और वो कहेगी कि ये सारे मजदूर संघ गद्दार हैं, देशद्रोही हैं सारे मजदूर संघ, क्योंकि ये लोग देश के आंतरिक मुद्दों को बाहर लेकर के चले गए, देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें करना शुरू कर देंगे। आप देश के अंदर में शासन सही से चलाओ ना, तो इन मजदूर संघों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में? और अगर आप मजदूरों का हक मारोगे तो फिर उनको अपने हक की आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, वो गद्दार नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, आप एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, गोपाल दास नीरज, और गोपाल दास नीरज साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गुनहगार बना देती है। अरे बात समझ में? तो भूखे पेटों को आप राष्ट्रभक्ति नहीं सिखा सकते हो, ये बिल्कुल सच बात है और ये इतिहास गवाह है इस बात का। जब पेट भरा होता है तब देशभक्ति जागती है, बात समझ आ रही है? तब ऊंचे ऊंचे ख्याल आते हैं, जब पेट भूखा होता है तो कुछ समझ नहीं आता उस समय। ओके, चलिए, तो आईएलओ ने अर्ज किया है हमारे प्रधानमंत्री साहब को, ठीक है, हमारे मसीहा साहब को, कि आप जरा देख लीजिए भाई, मजदूरों के हक मत मारिए, ठीक है, और मजदूरों की जो सैलरी वगैरह है जरा उसके लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यापारी लोग बैठे हुए हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि हम सैलरी नहीं बढ़ाने वाले, हम सैलरी देने भी नहीं वाले। आगे बात समझ में? ओके, पहले सरकार ये कह रही थी कि सैलरी अगर किसी व्यापारी ने नहीं दी तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, गृह मंत्रालय ने ऐसा कहा था, लेकिन अभी वो भी कुछ एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे। अरे भाई, वो क्यों एक्शन लेंगे जब सरकार खुद ही सैलरी नहीं दे रही है? सरकार ने खुद ही जो है जो कई तरह के जो अलायंसेस है, खासतौर पर डीए वगैरह है, वो काट करके बैठ गए हैं वो, ठीक है। तो इस सरकार की कथनी और करनी का जो अंतर है ना, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है, हमारा भारत महान, जय हिंद। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग जरा आईएलओ को देखते हैं। आईएलओ इज अ ट्राई पार्टी एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तीन पक्षीय एजेंसी है। ये एजेंसी कैसी है? तीन पक्षीय एजेंसी है। अब इसमें कौन कौन से पक्ष होते हैं? सरकार होती है, एम्प्लॉयर होते हैं, और कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, ये तीन पक्ष होते हैं, 187 मेंबर है इसके अंदर में, और इसका जो निर्माण है, ध्यान रखना, आईएलओ का जो निर्माण है वो हुआ था वर्षाय की संधि से। बहुत ध्यान रखना बेटा, वर्षाय की संधि इतिहास के पन्नों में एक बहुत महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। यही वर्षाय की संधि थी जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण माना जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इज कंसीडर्ड एज प्राइम रीजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से जर्मनी के अधिकारों को पूरी तरीके से छीन लिया गया था, जर्मनी की भयानक इंसल्ट की गई थी यहां पर, और इसी वर्षाय की संधि से एक संस्था का निर्माण भी किया गया था, एंड दैट बॉडी इज नोन एज आईएलओ, ठीक है भाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शुभम गुप्ता बेटा बिल्कुल गलत है, आचार्य चाणक्य शुभम गुप्ता हमेशा ये बात कहते थे कि इंसान आएंगे और जाएंगे। आ रही बात समझ में? और इसी बात को हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कहते थे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, सत्ता का खेल चलता रहेगा, देश है, देश था और देश रहना चाहिए, देश बड़ा है। और एक बात कही जाती है कि अपनी सरकार से अपने देश को बचाना भी एक किस्म की देशभक्ति है, क्योंकि देश को सबसे बड़ा खतरा होता है अपनी सरकार से खुद, क्योंकि सत्ता में तो वो बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल उससे पूछा जाएगा जो सत्ता में है वर्तमान में, ना कि 70 साल पहले जो प्रधानमंत्री था उससे सवाल पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में? यह बहुत एक गलत ट्रेंड हमारे देश में चल पड़ा है कि अगर आज वर्तमान सरकार से कोई सवाल पूछे तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं 70 साल में क्या हुआ। अरे भाई साहब, इसरो की स्थापना किसने करवाई थी? CSIR किसने बनवाया था? DRDO किसने बनवाया था? बांग्लादेश किसने बनवा दिया? सिक्किम को भारत के अंदर में शामिल किसने करवा लिया? जरा जवाब देंगे आप इसका? तो बहुत सीधी सी बात है कि देखो, सरकारें जब काम करती हैं तो वहां प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं। आ रही बात समझ में? और वो हर सरकार के साथ में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली सारी सरकारें खराब थी और एक आप ही अच्छे हैं, ठीक है भाई, ऐसे नहीं होता है।
अच्छा भाई चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आप अभी यहां पर है क्या चीज, जो आईएलओ है इसको यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाया गया था इन द ईयर 1956 में, ठीक है भाई। ओके आफ्टर दिस हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर में है। आईएलओ को नोबल प्राइज भी मिला था 1969 में कि पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों के लिए काम करने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए। और जो आईएलओ के हेड हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि पीएम साहब जरा देख लीजिएगा मजदूरों का हक मत मारिए, एंड ही इज द पर्सन गाय राइडर साहब हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अरे बस बहुत है इतना, देखो आप लोग पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। अगर एक देश की सबसे बड़ी धरोहर होते हैं उसके जागरूक नागरिक, जो सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। सही है तो बिल्कुल सही है, चाहे मेरा विरोधी ही क्यों ना हो, और अगर मेरा अपना भाई भी गलत है तो वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता, बात खत्म। ओके चलिए, एक नई मछली मिली है इन सबके बीच में, ठीक है भाई। ओके एक नई मछली मिली है इन सबके बीच में, और इस नई मछली का नाम है पुंटियस सेंटस जो है, इस नई मछली का नाम है। और ये मछली कहाँ पर मिली है, किस जगह पर मिली है, तो ये मछली मिली है तमिलनाडु के अंदर में। आ रही बात समझ में, ये मछली मिली है तमिलनाडु के अंदर में। और बोलिए अब जरा देखते हैं इस मछली की क्या विशेषताएं हैं और इसका नाम वगैरह किस तरीके से रखा गया है, ठीक है भाई। और किस व्यक्ति ने खोज की है इसकी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि आप तमिलनाडु के वेलनकन्नी एक एरिया है तमिलनाडु के अंदर में, यहाँ पे साई प्रिनिडे जो है फैमिली है, और यहाँ पर ये जो है ये जो मछली है साई प्रिनिडे जो है जो फैमिली है उससे बिलोंग करती है। ताजे पानी की मछली है, ठीक है भाई। और इसका नाम रखा गया है पुंटियस सेंटस। आप लोग बस ये नाम याद रखना बेटा, आप लोग ये नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पुंटियस सेंटस, ठीक है भाई। कि पुंटियस सेंटस क्या है, ये मछली की एक नई प्रजाति है। कहाँ से मिली है, तमिलनाडु के वेलनकन्नी से मिली है। वेलनकन्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु, ठीक है भाई, तमिलनाडु से प्राप्त हुई है ये मछली। खारे पानी की है कि ताजे पानी की है, तो खारे पानी सॉरी ताजे पानी की मछली है। और इसका जो खोज किया है जिसने, उसका नाम है मैथ्यूज प्लामुतिल, ये व्यक्ति है, इन्होंने इसकी जो है खोज किया है, ठीक है भाई। ओके चलिए आगे चलते हैं। हिमानी बेटा आप भी उसी में ट्रैप हो गए हैं, उसी जाल में आप फंस गए हैं, आ रही बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। आप अगला मुद्दा यहां पर है कि जो ये पुंटियस जो मछली है ये केरल के अंदर में, इसका लोकल नाम है पाराल। देखो यार लोकल नाम पूछे जाते हैं कई बारी, लोकल नाम है इसका पाराल, और तमिलनाडु के अंदर में इसे कहते हैं केंडे, तमिलनाडु में इसे कहते हैं केंडे, ठीक है भाई। ओके तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट है जिनको आपको यहाँ पे याद रखना है, दिमाग में रखना है अपने, ठीक है भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने हर्षद गुप्ता, वेरी वेल सेड, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम लोग। और इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट, भैया मिजोरम ने बड़ा शानदार काम किया है। मिजोरम ने क्या किया, मिजोरम ने जो है आप खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग नॉर्मली जब खेल की बात आती है तो दिमाग में हमारे एक दो राज्य उभर करके आते हैं, एक तो हरियाणा और एक पंजाब, कि भाई भारत का जो एक ओलंपिक्स के अंदर में जो हमारे सबसे ज्यादा मेडल्स आते हैं वो यही दो राज्यों से आते हैं, हरियाणा से और पंजाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं एथलेटिक्स के अंदर में, जी हाँ एथलेटिक्स के अंदर में हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, ठीक है भाई। और मिजोरम ने इसी दिशा में एक कदम उठाया है और उसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम्स के लिए। और उद्देश्य क्या है, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस खेलों के लिए उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है भाई। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और मिजोरम में बेसिकली जो खेल जो है पॉपुलर है वो खेल कौन सा है, वो खेल है फुटबॉल मुख्य रूप से। अच्छा भाई भारत के अंदर में जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं उन फुटबॉल क्लब्स के अंदर में अधिकांश खिलाड़ी जो हैं वो कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं, ठीक है भाई। अच्छा एक खिलाड़ी का नाम मैं तुमको बताना चाहूंगा, बाईचुंग भूटिया, नाम सुना है इनका, जरा बताओ कि यह कौन से खेल के लिए जाने जाते हैं।
बाईचुंग भोटिया। बाईचुंग भोटिया का संबंध कौन से खेल से है अभी बताओ। बाईचुंग भोटिया का संबंध कौन से खेल से है बोलो भाई। बिल्कुल सही बात है। और बाईचुंग भोटिया का संबंध किससे है। बाईचुंग भोटिया का संबंध है बेसिकली यहां पर फुटबॉल के साथ में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार। ठीक है भाई चलिए आगे चलते हैं। भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं खिलाड़ियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। अभी इंडिया के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, बड़ा शानदार क्वेश्चन था कि ऐश्वर्या पिसे, जरा ध्यान देना, ऐश्वर्या पिसे का संबंध कौन से खेल के साथ में है। ऐश्वर्या पिसे जो है ये मोटरसाइकिल रेसर है, मोटरसाइकिल मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट कहते हैं, मोटरिस्ट है ऐश्वर्या पिसे, और ये महिला है। ठीक है, तो ऐसे में भारत के अंदर में जहां पर महिलाओं पर इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पर एक महिला का आकर के जो है मोटरिस्ट बन जाना, ठीक है, उसमें एक नाम कमाना जो है अपना एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इनका। तो ऐश्वर्या पिसे से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर में, और ये मोटरिस्ट है। ठीक है भाई, मोटरसाइकिल रेसिंग में हिस्सा लेती हैं ऐश्वर्या पिसे। ठीक है भाई चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और इसके बाद में रिस्ट्रिक्शन ऑन पैडी कल्टीवेशन, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है हरियाणा की बीजेपी सरकार ने। क्या है स्टेप, देखो जनता को ना कई बारी उसके भले की बात समझ नहीं आती। अभी तो आप लोगों ने देखा कि मैंने सरकार का विरोध कर रहा था मैं, लेकिन यहां पर मैं सरकार का समर्थन करूंगा क्योंकि यहां सरकार ने अच्छा काम किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की। ध्यान रखना, पानी की दिक्कत बहुत बड़ी है हमारे सामने। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके उत्पादन पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी, जैसे कि गन्ना और धान। विशेष रूप से गन्ना और धान उन क्षेत्रों में तो उगाना लगभग बंद कर देना चाहिए जहां पर पानी का शॉर्टेज रहता है, और जहां पर जो जमीन का, जो लैंड, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीन क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर नॉर्मली नदियों का जाल नहीं है, यहाँ नहरों का जाल है। इंदिरा गांधी कैनाल से पानी लाया जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया गया था। अब एक बात आप ध्यान रखना कि अभी वर्तमान समय में हालात ऐसे हो गए हैं कि लगातार जो है क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। क्लाइमेट चेंज हमें लगातार दिख रहा है, कहीं बारिश घट रही है, कहीं बारिश बढ़ रही है। तो हमें ऐसी फसल चाहिए, हमें ऐसा अनाज उगाना पड़ेगा जो कम पानी में उग जाए। नंबर एक, अगर सूखा पड़े तो सूखा झेल जाए और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो। आ रही बात समझ में। तो ऐसे में सरकार का यह कहना है कि आप ये फसलें उगाओ, मोटा अनाज। कौन सा मोटा अनाज? मक्का हो गया, रागी इसको कहते हैं, रागी। ठीक है भाई, दालें इनको उगाइए, ये आसानी से कम पानी में भी उग जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो अभी जो इस साल का बजट आया था, तो जो वर्तमान सरकार है इन्होंने ये कहा था कि हम अपने देश के अंदर में मोटे अनाज के उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे, और ये बिल्कुल सही बात कही थी सरकार ने, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। ठीक है भाई, तो हरियाणा सरकार ने कदम उठा लिया, हरियाणा सरकार ने बोला मेरा पानी मेरी विरासत, और इन्होंने जो है कई सारे किसानों के लिए यह आदेश जारी किया कि आप लोग अब जो है आप यहां पर आप बड़े सारे एरियाज में धान की फसल नहीं उगाएंगे, इससे हमारा पानी भी बचेगा नंबर एक, और थोड़ा सा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, इससे भी लाभ मिलेगा। ठीक है भाई अच्छा, तो किन फसलों की बात की गई है, मोटे अनाज को उगाने की बात की गई है, लेकिन जो हमारे किसान बंधु हैं उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही है, और इसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, और हमारे किसान बंधुओं ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, किसान बचाओ और खेती बचाओ। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, किसानों के भले में है, लॉन्ग टर्म में जनता के भले में है चीज ये। ठीक है भाई चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग अगले मुद्दे की तरफ, और अगला मुद्दा जो है हम लोग देखेंगे बाद में। एक काम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ, जो है चलते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है जरा उसकी तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
हु डिस्कवर्ड क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड क्रेस्कोग्राफ, बताओ भाई। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? और क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी जगदीश चंद्र बसु साहब ने, ठीक है भाई। और ये यंत्र करता क्या है? इसका काम है कि पौधों में जीवन है या नहीं, इस बात की जानकारी जो है क्रेस्कोग्राफ से हम लोगों को प्राप्त होती है। देन फर्स्ट का सी, दिस इज द राइट आंसर। और जिन बच्चों ने सबसे पहले फर्स्ट का सी बोला है उनके नाम बता दूं मैं आप लोगों को, जसोल हैं, उसके बाद हिमानी भारद्वाज, वेरी गुड बेटा। आफ्टर दिस दीप्ति हैं, आप इसके बाद में, दीप्ति के बाद में कौन है भाई? दीपेश हैं, देन अंकित गंगवार हैं, रजत प्रकाश हैं, अंशुमान गजेंद्र प्रताप, वेरी गुड गाइज, ऋतु कश्यप, निखिल श्रीवास्तव, रजत भारद्वाज, ठीक है बिल्कुल रजत भारद्वाज। जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कल ही न्यूज़ में था कि दिल्ली के अंदर में टिड्डियों के आने की संभावना है, आज कल में पहुंच जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, आप ये पौधे का किस वृक्ष का जो है वैज्ञानिक नाम है, ठीक है भाई? एडेंसोनिया डिजिटाटा, ये किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है कौन से वृक्ष का? और इसका संबंध ध्यान रखना जो बंगाल के अंदर बोटेनिकल गार्डन है उसके साथ में संबंध है इसका, कल्प वृक्ष। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने, वेरी गुड। मैंने कल ही बताया था कि कई सारे पौधों के नाम, पेड़ों के नाम बताए थे, एंड आई सेड दैट कि कल्प वृक्ष तो विशेष रूप से कर लीजिएगा आप लोग। सेकेंड का सी, दिस इज द राइट आंसर। और सेकेंड का सी जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर किया है, सेकेंड का सी कौन है भाई? आयुष त्रिपाठी, आफ्टर दिस जसोल, देन अंकित गंगवार, हिमानी भारद्वाज, ओके, आफ्टर दिस दीप्ति, देन गुंजन वीर, अभिषेक कुमार, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, दीप्ति, अंशुमान, हिमानी, ओके, डॉल, ये कौन है भाई? डॉल अग्रवाल, ओके, रजत भारद्वाज, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अरे अब मेहमान क्या है, समस्या है, अब समस्या है तो आ रही है तो झेलो इसको। गिर नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है भाई? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया यार, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात के अंदर में स्थित है, ठीक है, ओके। चलिए तो आप, अरे तीनों के सी हो गए आज तो जवाब, थर्ड का सी हो गया। हाँ चलिए आगे चलते हैं, खैर थर्ड का सी, दिस इज द राइट आंसर। एंड चलिए आगे चलते हैं। आप विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गोवा, ओके, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में लोकेटेड है? यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री का सी था, लेट मी फिगर आउट किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। थ्री का सी यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, तो मैं बताता हूँ जिसका गलत जवाब है। और गलत जवाब में है रजत प्रकाश सिंह, इन्होंने दिया है गलत जवाब, बाकी सबका सही है, ठीक है भाई। चलिए आप, फोर का है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है, ये चर्चा में आया था जब जयराम रमेश साहब ने कहा कि कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर इन्होंने भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात भी की थी। देन फोर का सी, दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए, लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया, सब में सी ही ऑप्शन कर दिया है आज, ठीक है। चलिए तो फोर का सी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। और जिन लोगों ने फोर का सी जवाब दिया है उन लोगों के जरा नाम देखे जाएं भाई। फोर का सी, नहल कुमार हैं, अंकित, कमलेश, रजत भारद्वाज, ओके, दीप्ति का गलत हो गया, शुभम गुप्ता का सही है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, ओके। चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन है कि आप सीवीसी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो उनका चुनाव करने के लिए जो कमेटी अपॉइंट की जाती है, इस कमेटी में चार लोग होते हैं। अच्छा भाई, इसका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है,
वो कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। बताओ भाई, भैया इसका सी तो नहीं है यार, क्योंकि इस कमेटी में 3 लोग होते हैं। एक होते हैं प्रधानमंत्री, मैंने बताया था, एक होते हैं गृह मंत्री, एक होते हैं विपक्ष के नेता। बता रहा था ना मैं उस दिन आप लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री भाई मोदी जी होंगे और अमित शाह होंगे तो अधीर रंजन चौधरी की कौन सुनेगा, कि चौधरी साहब आ जाओ बैठ जाओ, ठीक है चाय वाय पियो और घर चले जाओ, फैसला तो हम लोग पहले कर चुके हैं। अगली बात समझ में? ओके। और जो कार्यकाल, तो इसमें मतलब क्या हो गया, पहला तो गलत हो गया ना भाई, पहला तो गलत है। अच्छा, कार्यकाल 4 वर्षों का होता है या 65 ईयर्स एज, एज जो है कितनी 65 साल की, ठीक है भाई। दोनों में से जो पहले हो जाए वो हो जाएगा, तो इसका 2 ओनली, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं जरा, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग। और क्लैट के लिए आप लोग, क्लैट का क्रैश कोर्स सफलता क्लासेस लॉन्च कर रहा है, 1 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो है लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां से जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं क्लैट के बारे में हमारी टीम के साथ में। अच्छा भाई आप, अरे नन क्यों होगा, अंकित गंगवार जब सेकंड तक सही था तो क्या बात कर दी तुमने। ओके, इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो जूम के ऊपर में चलेंगी, ठीक है। इसका जूम का एडवांस वर्जन आ चुका है, ठीक है भाई, जहां पे सारी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। और ऑडियो, हालांकि हमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, हमारी टीम को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, एवरीथिंग वाज फाइन, एकदम सब बढ़िया चल रहा है हमारे साथ तो, ठीक है। और ऑडियो क्वेरी का जो सेगमेंट है वो बड़ा शानदार है, जहां पर आप लोग लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं हमारी टीम के साथ में। आपको स्टडी मटेरियल हर एक क्लास के बाद में PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप लोगों के लिए वोकैब के सेशंस हैं, करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, करीब एग्जाम में 25% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, तो वो लोग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, चलिए तो टीम की बात कर लेते हैं। तो भगवती सर है क्वांट में हम लोगों के साथ में, इंग्लिश में संतोष सर देखेंगे सारी चीजें, लॉजिकल रीजनिंग में अनुकूल सर हैं, एंड लीगल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो कि पूरे सेगमेंट का करीब 50% है वो मैं देखूंगा, ठीक है भाई। कुछ एक क्लासेस मेरी पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर में, आप लोग वहां से देख सकते हैं लीगल रीजनिंग के क्लासेस, ठीक है भाई। ओके, और अभी तक अगर आप लोगों ने जो है आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आज के जो हमारे यूट्यूब सेशंस हैं मैं उनकी जानकारी दे दूं, सबसे पहले करंट अफेयर्स है, उसके बाद में फिर रीजनिंग की क्लास है, दूसरी कैलेंडर, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लगभग सारे एग्जाम्स के अंदर में, क्लास जरूर कीजिएगा। मैं लगातार देखता हूँ कि आप लोग लाइव क्लासेस करने में आनाकानी करते हो, ठीक है, जूम के ऊपर में वहां पर आपकी संख्या अच्छी खासी होती है, लेकिन लाइव क्लासेस बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे जाते हैं, और इन क्लासेस को लेकर के आप अपना ही, अपने एग्जाम्स की तैयारी को ही बेहतर बनाते हैं। सो लाइव क्लासेस जरूर लीजिए जो भी सेशंस होते हैं, कैलेंडर है, इसके बाद शिलॉग जो कि बैंकिंग का एक बड़ा हॉट टॉपिक रहता है, थर्ड क्लास होगा, फोर्थ क्लास होगा सीटेट का, मैथमेटिक्स के सेगमेंट का भगवती सर लेंगे, पांचवा क्लास होगा प्रैक्टिस सेशन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप वालों तुम्हारे रागा, वाई ग्रुप वालों रागा के अंदर में 30 क्वेश्चन जो आते हैं, 30 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, इसमें रीजनिंग का एक अच्छा खासा सेगमेंट रहता है, तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा सेशन, देन छठा सेशन है जो है क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है भाई। तो ये आज के हमारे टोटल 6 सेशन है, गेट बेनिफिटेड विद दिस। सफलता क्लासेस के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और अगर आपको लगता है कि हमारी टीम रियली अच्छे एफर्ट्स डाल रही है तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने सोसाइटी सर्किल में जो है जरूर फैलाएं, लोगों को बताएं इसके बारे में ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, बेटा चार्ली आप कौन से मैटर के लिए है, एक बारी हमारे टेक्निकल टीम का यहाँ पे नंबर होगा, आप उस नंबर को जरा एक बारी देखो चार्ली,
और हमारी टीम से कांटेक्ट करो, और मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि एक बार जरा इनका समस्या देखें, चार्ली का क्या दिक्कत हुआ है बच्चे के साथ में। ठीक है भाई, ओके गाइस, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, और आप लोगों से मुलाकात होता है फिर अगले सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।